हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्लैट प्रेप। आज है 16th of August 2024 और जैसा कि आपको पता है कि हम डेली द हिंदू एनालिसिस करते हैं, न्यूज़ एनालिसिस करते हैं और उसके बाद 20 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं। तो चलिए उसी सीक्वेंस को कंटिन्यू करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे सामने, ऑन विच डे पार्टीशन हॉरर मेमोरियल डे वॉज सेलिब्रेटेड रिसेंटली। तो किस दिन हम भारत और पाकिस्तान में टूटे थे, पार्टीशन हुआ था हमारा, तो सिंपल याद रखना 14th of August 1947। हालांकि हमने आपने सुना होगा पाकिस्तान कब से इंडिपेंडेंट होता है, 14th of August को हम हो जाते हैं 15th of August को। तो हम क्या बनाते हैं 14th of August को, तो याद रखना पार्टीशन हॉरर मेमोरियल डे। उसके बाद चलते नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज स्टार्टेड द थर्ड फेज ऑफ द टेस्टिंग ऑफ द डेंगू वैक्सीन डेंगी ऑल। किसने स्टार्ट किया, तो याद रखना इंडिया ने, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। और इंडिया ने इसको खत्म करने के लिए, डेंगू खत्म करने के लिए क्या किया है, वोलबाचिया, ठीक है, वोलबाचिया एक मेथड होता है जिसमें जो डेंगू होता है उसके मच्छर को क्या कर दिया जाता है, इन्फेक्ट कर दिया जाता है वोलबाचिया से, और उसके बाद वो रीजनरेट नहीं कर पाते हो, तो बेसिकली क्या होता है, रिप्रोडक्ट नहीं करा पाते हैं तो ये खत्म हो जाएंगे। जैसे सिंगापुर ने 77% डेंगू के केसेस को कम किया और सिंगापुर ने 90% मच्छरों को भी खत्म कर दिया वहां पे इस मेथड से। ये हमने एडिटोरियल में डिस्कस भी किया था। नेक्स्ट है, हु अमोंग द फॉलोइंग हैज रिसेंटली बिकम द बॉलिंग कोच ऑफ टीम इंडिया, कौन बने हैं, तो सिंपल याद रखना ऑप्शन नंबर डी मॉर्न मोरकल, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस डीआरडीओ हैज सक्सेसफुली टेस्टेड द लॉन्ग रेंज ग्लाइड बॉम्ब गोरव, तो हमने एडिटोरियल में भी डिस्कस किया था, ऑप्शन नंबर ए दैट इज ओडिशा। ओडिशा से हमारे डीआरडीओ ने अडानी ग्रुप के साथ मिलकर, अडानी एरोस्पेस के साथ मिलकर एक लॉन्ग रेंज ग्लाइड बॉम्ब बनाया जो 100 किलोमीटर की रेंज पर हिट कर सकता है, तो ऑप्शन नंबर ए दैट इज ओडिशा इज द राइट आंसर। रिसेंटली विच स्टेट हैज बिकम द फर्स्ट इन द कंट्री टू गिव मनी टू गर्ल स्टूडेंट्स टू बाय सैनिटरी नैपकिन्स, कौन सा स्टेट बनाया जिसने गर्ल्स को सैनिटरी नैपकिन खरीदने के लिए पैसे देने की बात की है, तो कौन सा, मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। उसके बाद चलते नेक्स्ट, इन विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज द 14th मीटिंग ऑफ द इंडिया ऑस्ट्रेलिया ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप JWG फॉर्म टू कॉम्बैट टेररिज्म हेल्ड, तो कहां पर हुई है, तो सिंपल याद रखना न्यू दिल्ली, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, वी हु अमोंग द फॉलोइंग हैज रिसेंटली लॉन्च्ड अमृत ज्ञान कोर्स एंड फैकल्टी डेवलपमेंट पोर्टल, तो किसने लॉन्च किया, तो याद रखना जो हमारे जितेंद्र सिंह ने क्या किया, इसको लॉन्च किया है, ठीक है, कमेंट करके बताना किस मिनिस्ट्री के एक मिनिस्टर हैं ये। उसके बाद चलते नेक्स्ट, IIT गांधीनगर हैज लॉन्च नर्मदा इन कोलेबोरेशन विद विच ऑफ द फॉलोइंग IITs, तो किसके साथ लॉन्च किया, तो याद रखना IIT इंदौर के साथ इन्होंने इसको लॉन्च किया, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ठीक है। वन लाइनर क्वेश्चन है, साइंटिस्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज अच्छा हैज डिस्कवर्ड हैव डिस्कवर्ड प्लास्टिक ईटिंग फंगी टू रिड्यूस वेस्ट, देखो आपको पता है प्लास्टिक का कोई एंड नहीं है, ठीक है, वाटर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, सोइल पोल्यूशन करेगा, तो इसको खत्म करने के लिए हमने क्या किया, कौन सा देश है जिसने एक फंगी डिटेक्ट किया जो प्लास्टिक को खा लेता है, डिग्रेड कर देता है, तो कौन सा, तो ऑप्शन नंबर ए जर्मनी इज द राइट आंसर, सिंपल वन लाइनर में याद रखना। नेक्स्ट है आपका, हु अमोंग द फॉलोइंग has been awarded the शौर्य चक्र by the President द्रौपदी मुर्मू, देखो हमारी जो President होती है या President होता है वो क्या होते हैं, Supreme Commander of the All Armed Forces, ये बात कहाँ लिखी है, तो आर्टिकल नंबर आपके 53 में लिखी हुई है कि जो हमारा President होगा वो तीनों फोर्सेज का क्या रहेगा, चीफ कमांडर रहेगा, ठीक है, तो उसने अभी किसको ये अवार्ड दिया, तो हमने इसको एडिटोरियल में डिस्कस किया था, आप वहाँ से देख सकते हो, ऑप्शन नंबर सी VD कियाने को ये दिया गया है देशमोहन, ठीक है, सिंपल सा। नेक्स्ट कौन सा है, विच एंशियंट इंस्टीट्यूशन प्रीट्रीट प्राइम मिनिस्टर मोदी सीक टू रिवाइव ड्यूरिंग हिज इंडिपेंडेंस डे स्पीच एट द रेड फोर्ट ऑन द 15th August 2024, तो कौन है, तो नालंदा यूनिवर्सिटी, आपको पता है नालंदा यूनिवर्सिटी बहुत पुरानी यूनिवर्सिटी थी हमारी, इसको उस समय जो बख्तियार खिलजी था, कौन, बख्तियार खिलजी, उसने उसको डिस्ट्रॉय कर दिया था, किसके कहने पर, तो याद रखना आपके कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक कौन था, तो सबसे पहले याद रखना भारत में जो दिल्ली डायनेस्टी की शुरुआत हुई थी, उस दिल्ली डायनेस्टी की शुरुआत में जो पहला जो रूल स्टार्ट करना शुरू किया था वो कौन था, स्लेव डायनेस्टी, कौन थे, दिल्ली सल्तनत में, दिल्ली सल्तनत में जो पहला था वो था स्लेव डायनेस्टी, और स्लेव डायनेस्टी का फाउंडर कौन था, तो कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है, और कुतुबुद्दीन ऐबक ने याद रखना क्या बनाया था, जो अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा है वो बनाया था, और इसी ने क्या बनाया था आपका, कुतुब मीनार भी बनाई थी, ठीक है, बेस इसी ने तैयार किया था, स्टार्ट किया था, जो कि 73 मीटर की हाइट से बना हुआ है, ध्यान रखना। अब क्या हुआ, इसने कुतुबुद्दीन ऐबक ने, इसके कमांडर था क्या नाम था उसका, बख्तियार खिलजी, ठीक है, उस बख्तियार खिलजी को इसने ऑर्डर दिया और उसने जाकर उस पूरी यूनिवर्सिटी को जला दिया। ऐसा कहते हैं कि उसकी लाइब्रेरी में इतनी किताबें रखी थी कि उसके अंदर 6 महीने तक
क्या लगी रही थी, आग लगी रही थी, तो इसको दोबारा से रिवाइव करने की बात हो रही है, नालंदा यूनिवर्सिटी, सिंपल सा याद रखना। नेक्स्ट कौन सा है, विच फ्यूचर इवेंट डिड प्राइम मिनिस्टर मोदी एक्सप्रेस इंडियाज ड्रीम, तो किसकी बात हुई थी, तो अभी पेरिस ओलंपिक्स खत्म हुए ना, तो ओलंपिक्स 2036 को ऑर्गेनाइज करने की बात हुई थी, तो मे बी इंडिया उसको होस्ट करे। What is the name of the Earth observation satellite launched by the ISRO on the 16th August 2024 using its small satellite launch vehicle? तो किसको लॉन्च किया गया है, तो याद रखना आपके EOS-08 ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर। सतीश धवन स्पेस सेंटर कहाँ पे है, श्रीहरिकोटा में जहाँ सेटेलाइट लॉन्च होती हैं। ठीक है, विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर कहाँ पे है, तिरुवनंतपुरम में जहाँ पे लॉन्चिंग व्हीकल बनाए जाते हैं। ठीक है, और यू आर राव सैटेलाइट सेंटर स्पेस सेंटर कहाँ पे है, तो याद रखना बैंगलोर जहाँ पे सैटेलाइटें बनती हैं, इसीलिए उसको सैटेलाइट मैन ऑफ इंडिया भी कहते हैं, क्योंकि पहली सैटेलाइट यू आर राव ने बनाई थी 1975 में आर्यभट्ट। ये बातें आप ध्यान जानते हो। नेक्स्ट चलते हैं, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ द रामसर साइट, कितनी हो चुकी है, तो आज हमने एडिटोरियल में डिस्कस किया था, पहले 82 थी, अब तीन और जुड़कर 85 हो गई, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, विच रामसर साइट इन इंडिया इज नोन एज द एशियाज लार्जेस्ट ब्लैकिस्ट वाटर, तो कौन सी है, चिलिका लेक। ठीक है, इसको हम लैगून लेक भी कहते हैं, लैगून लेक वो होती है जिसके अंदर आप लेक में जाओ सरफेस से और एक लार्ज वाटर बॉडी में चले जाओ, समुद्र में ओशन में चले जाओ। ठीक है, तो लैगून लेक कौन सी, आपकी चिलिका लेक। नेक्स्ट चलते हैं ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 16, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज द वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट कैलेंडर बीन डिस्कवर्ड, तो कहां पर हुआ है, तो ऑप्शन नंबर सी टर्की, टर्की में ओल्डेस्ट कैलेंडर मिला है। टर्की को पहले कहते थे ओटोमन एम्पायर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम पर, बाद में इसका जब खलीफा को उसकी पोस्ट से हटा दिया गया तो उसका नाम क्या हो गया, टर्की हो गया, और उससे पहले उसे कहते थे कॉन्स्टेंटिपोल। ठीक है, उसके बाद हुआ ओटोमन एम्पायर, फिर हुआ आपका टर्की, ये बातें ध्यान रखना। विच प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया होल्ड द रिकॉर्ड ऑफ द लॉन्गेस्ट स्पीच, तो कौन है, नरेंद्र मोदी जी, इन्होंने 98 मिनट तक स्पीच दिए, तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। सबसे कम कौन था, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू और जो इंदिरा गांधी जी थी वो थे 14 मिनट। विच इज द फर्स्ट स्टेट ऑफ इंडिया टू इम्प्लीमेंट यूनिफॉर्म सिविल कोड आफ्टर इंडिपेंडेंस, तो हमने अच्छे से डिस्कस किया था आर्टिकल में, प्लीज जाकर उसको एक बार देख लेना एडिटोरियल में। ऑप्शन नंबर डी उत्तराखंड ने इसको आफ्टर इंडिपेंडेंस इसको स्टार्ट किया है, प्री इंडिपेंडेंस पूछे तो याद रखना आपका गोवा 1867। अमृत भारत स्कीम कब लॉन्च की गई थी, ये भी हमने एडिटोरियल में डिस्कस किया था, ऑप्शन नंबर सी 2023 में इसको स्टार्ट किया गया था, राइट आंसर। When was the PM कुसुम स्कीम, ये भी हमने एडिटोरियल में डिस्कस किया था, आप जाकर वो लेक्चर वो वीडियो देख सकते हो। ठीक है, ये कब आई थी, तो याद रखना इसको स्टार्ट किया गया था 2019 में, जिसका टारगेट है 100 गीगावाट एनर्जी बनानी है 2026 तक सोलर प्लेट से। ठीक है, सिंपल याद रखना। नेक्स्ट आई थिंक आज के लिए इतना ही था, आई होप कि आपको बातें समझ में आई होंगी। ओके, बाय बाय, मिलते हैं दोबारा नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।